अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ आलू बुखारा चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मुर मुसलम की एक किस्म है, लेकिन मैं उसको आलू बुखारा के साथ बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे चिकन चाहिए, एक पूरा चिकन है, होल चिकन मैंने लिया है और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये तकरीबन 1.5 kg यानी 1.5 किलो के करीब है। इसके अलावा इसमें जो जो मसाले शामिल होंगे, जो जो चीज़ें शामिल होंगी वो ये हैं: दही 4 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च 2 टीस्पून, काली मिर्च 1.5 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, नमक इसमें 1 टीस्पून, पिसा धनिया 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सिरका जो है हमें चाहिए वो 3 टेबल स्पून है, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो 1.5 टेबल स्पून है, और ये 1/2 लेमन है, ये बड़ा वाला लेमन है, अगर आपके पास छोटा है तो 1 लेमन चलेगा। और इसके अलावा ऑयल 3 टेबल स्पून जो कि हमने मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको चिकन को कट लगाएंगे और फिर उसके बाद मैरिनेशन इसकी करेंगे। डीप कट हो तो मसाला अच्छी तरह रचता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं इसको मैरिनेट करना शुरू करूंगी। सबसे पहले इस प्याले में मैं मैरिनेशन की सब चीजें डालती हूँ। तीन टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल यूज कर रही हूँ। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं ये चिकन लेकर मैं ये होल चिकन इसमें डालूंगी और फिर मैं इसको मैरिनेट करना शुरू करूंगी। इसको अच्छे तरीके से सारा मसाला लगाकर मैरिनेट करके इसको ओवरनाइट जो है वो फ्रिज में रख दूंगी। अब चिकन पे अच्छी तरह मसाला रच गया है तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मैं इससे पहले आपको बताती हूँ कि अभी हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 8-10 आलू बुखारे लिए हैं। इसके अलावा मैंने ये प्याज जो कि मैंने ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं किया, और ये चंद मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें, और इसके अलावा एक कोयला, और आखिर में 1-2 टेबल स्पून ऑयल डलेगा। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन मैंने पैन में डाल दिया है। आप कोई भी गहरा पैन ले लें या कुकर या देगची, जो भी आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने फ्लेम हाई रखा है, साथ ही मैं इसमें ये साबुत मिर्चें, इसके अलावा ये आलू बुखारे और ये प्याज जो है ब्राउन प्याज मैं डाल दूंगी। तो अभी इसकी आप इसका फ्लेम तेज़ रखें ताकि दही जो लगा है और चिकन जो उसका पानी है वो थोड़ा वो निकले। कम अज़ कम आधे घंटे के लिए पहले रखेंगे और फिर दरमियाने चेक करते रहेंगे। तो इसको टोटल बनते हुए 1 घंटा लगेगा। हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। 5 मिनट हो गए हैं तो मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। और इसके अलावा अब मैं इसको ढक दूँगी और मैं कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर इसको एक एक दफ़ा पलट दिया करूँगी। तो इसको इस तरह धीमी आँच पर तकरीबन आपने 1 घंटा या अगर आपको 45 मिनट्स लगेंगे तो आपने उसको पलटाते रहना है, देखते रहना है। 10 मिनट हो गए हैं तो मैं इसको एक दफ़ा पलटा देती हूँ। ज़रा ध्यान से आपने करना है कि ये चिकन टूटे ना। देखिए एक साइड से इस पर कलर आ रहा है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है, भी कच्चा है। तो अब इसको ये साइड पलटा के फिर 10 मिनट के बाद फिर हम दोबारा से इसकी साइड चेंज कर देंगे। 10 मिनट बस गुजर चुके हैं तो मैं एक दफ़ा फिर इसे पलटा लूँगी। तो अब ये काफ़ी ये देखें का कुछ सॉफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी इसे आधा घंटा मज़ीद लगेगा। अब ये चिकन तकरीबन तैयार है तो मैं आखिर में इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ मैरिनेशन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल किया था। तो वही ऑयल अभी तक इस्तेमाल हुआ है। आप देखें, अगर आप चाहते हैं आखिर में एक अच्छा और कलर आए तो आप 1-2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको 1-2 मिनट भूनें ताकि इस पर और अच्छा रंग आ जाए। मुझे इसे भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो मैंने एक कोयला सुलगाने के लिए रखा था, तो उसको अब मैं उसका थोड़ी देर के लिए 45 सेकेंड से 1 मिनट तक इसका मैं इसको धुआं देती हूँ और इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। तो ये बिल्कुल तैयार है और आँच मैंने बंद कर दी है। तो ये देखें स्मोक आ रहा है। 1 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी कोयले को, तो हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है।
तो हमारा बहुत ही मजे का आलू बुखारा चिकन या प्लम चिकन रोस्ट तैयार है। आलू बुखारे का बहुत ही खट्टा मीठा और मज़े का जायका आएगा। आइंदा आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।